Hello class, welcome to the Product Science classes and today we will discuss the new chapter and new subject of class 9th chemistry and the chapter is the structure of the atom. ठीक है, what is an atom? Atom क्या है? Atom is the smallest unit of the chemistry. Okay, it is the smallest part in which an element can be divided. इसमें elements होते हैं, एलिमेंट्स डिवाइडेड होते हैं इस एटम में, और ये हमारी जो केमिस्ट्री है उसका क्या है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. ये जैसे हमारे घर बनते हैं उनमें ईंटें काम करती हैं उसको ढांचा देने के लिए, हमारे घर को एक स्ट्रक्चर देने के लिए, वैसे ही हमारी केमिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए ये एटम बहुत ज़रूरी होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं जैसे हाइड्रोजन एंड नियॉन. कौन है? हाइड्रोजन एंड नियॉन. मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच अ सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल नेचर. ये भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है बट नॉट स्मॉलर देन एटम. ठीक है, एटम से बड़े होते हैं. तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें हमारे सब्सटेंसेस डिवाइड हैं लेकिन उनका केमिकल नेचर नहीं बदलता है. अगर वो सॉलिड फॉर्म में हैं तो सॉलिड में ही रहेंगे, लिक्विड में हैं तो लिक्विड में ही रहेंगे. तो इनका ये क्या होते हैं, केमिकल नेचर नहीं बदलता है इनका. इसके एग्जांपल है जैसे वाटर H2O और नाइट्रोजन, ओजोन, कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, ये हैं हमारे मॉलिक्यूल्स. अब हम बात करते हैं ये जो हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या है हमारे, दोनों ही हमारी केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इन्हीं सबसे मिल के हमारा क्या बनता है, मैटर बनता है. किससे मिल के बनते हैं? हमारे एटम और मॉलिक्यूल से ही मिल के क्या बनते हैं, मैटर बनते हैं. ठीक है, और आप लोगों को पता है कि हमारा जो मैटर होता है उसके भी हमारे 3 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस. ये 3 हमारे क्या हैं, मैटर के टाइप्स हैं. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो ये भी हो गया कि जो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं इन्हीं से मिलके हमारे क्या बने हुए हैं, मैटर बने हुए हैं. चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर. मैटर में हमारे चार्जिंग होती है, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें चार्ज होते हैं. हमारे दो ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ज हैं जो मेन होते ही होते हैं, चाहे वो फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में हो. ठीक है, अगर चार्जेस नहीं मिलेंगे तो हमारे यहाँ करंट नहीं आएगा घरों में, है ना. तो इसी तरह हमारी केमिस्ट्री में भी होता है. एटम इज डिविजिबल. एटम हमारे डिविजिबल होते हैं, कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, जिसमें हमारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव पार्टिकल्स लेके चलता है और जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव पार्टिकल्स लेके चलते हैं. ठीक है, ये जो दोनों चार्जेस हमारे पॉजिटिव नेगेटिव, दे अट्रैक्ट ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और तभी ये रिएक्शन भी करते हैं. हमारे वो जो बनते हैं कंपाउंड्स बनते हैं उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव एलिमेंट्स ही लिए जाते हैं. ऐसा नहीं है कि हमारा बनते हैं एक जैसे, जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये भी बन गया हमारा. ठीक है, ऑक्सीजन O2 बनता है, तो ये भी बनते हैं लेकिन जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं ये तो हमारे रिमेनिंग कंपाउंड्स में निकलते जाते हैं, बट जो बनते हैं जैसे NH3 है, ठीक है, अमोनिया, तो नाइट्रोजन पॉजिटिव है और हाइड्रोजन कैसा है, निगेटिव. ठीक है, तो इनमें नहीं, ये अमोनिया का नहीं ले सकते हैं हम, Na2CO3 ले लेते हैं, सॉरी Na2CO3 लेते हैं. तो जो Na2 है ये पॉजिटिव होता है सोडियम, और जो ये कार्बोनेट है ये कैसा हमारा निगेटिव चार्ज होता है इसमें. ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस को हम ले के काम करते हैं. ठीक है, कंपाउंड्स बनाते हैं. तो वैसे ही इसमें हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनमें हमारे एटम्स डिविजिबल होते हैं. एटम हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है? जे थॉमसन ने की है. प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की है. न्यूट्रॉन की चैडविक ने की है. ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है याद करने की, ईट पर लंच.
ठीक है, तो ई से हो गया आपका इलेक्ट्रॉन और ट से हो गया थॉमसन, इसके बाद हमारा पा से हो गया प्रोटॉन, रा से हो गया रदरफोर्ड और ना से हो गया न्यूट्रॉन, अच्छा से हो गया चार्डरी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ईट मतलब ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, चा से चार्डरी, ईट पर नच। ये हमारा ट्रिक है इनके साइंटिस्ट को याद करने का, ठीक है। ई पी और एन, ठीक है, इनसे ये याद कर सकते हैं आसानी से, आपको साइंटिस्ट भूलेंगे नहीं अगर आप ईट पर नच याद कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नेगेटिव से, प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी पॉजिटिव से, और न्यूट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से, क्योंकि ये कैसा होता है हमारा न्यूट्रॉन, न्यूट्रल होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, कैसा होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इसीलिए न्यूट्रॉन में हम जीरो लगा देते हैं कि जिससे कि कोई भी चार्ज नहीं शो करता है, ठीक है। ये तो हुआ बेसिक। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर हैं एटम्स के, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ हमारे मॉडल्स दिए हैं, क्या दिए हुए हैं, मॉडल्स दिए हुए हैं, उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। मॉडल्स के बारे में बहुत इजी है, उन्होंने जो मॉडल दिए हैं, ठीक है, उन मॉडल को सबसे पहला मॉडल हमारा थॉमसन ने ही दिया है। इन्होंने जो मॉडल दिया है तो इन्होंने उसका कंपैरिजन, जो हमारे क्रिसमस में पुडिंग बनती है ना, क्रिसमस पाए जो बनती है पुडिंग, उससे किया है। क्या कंपैरिजन किया है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ठीक है, तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर का मॉडल दिया है वो किसने दिया है, हमारे थॉमसन ने दिया है। तो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, एटम के थॉमसन मॉडल की बात करते हैं। इन्होंने क्या किया है, जो इन्होंने दिया है हमें ये मॉडल जो दिया है, ठीक है, एक चीज़ मैं आपको पहले बता देती हूँ, जो इलेक्ट्रॉन है इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था हमारे गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने किया था 1886 में, डिस्कवर किया था और बताया था कि इसमें एक रेडिएशन होता है जो गैस डिस्चार्ज करता है, क्या करता है, गैस डिस्चार्ज करता है, ठीक है। तो जब गैस डिस्चार्ज करता है, जैसे कि ये बताया था कि ये है, मान लीजिए इससे गैसेस डिस्चार्ज होती हैं जो स्ट्रेट लाइंस जाती हैं, इनको इन्होंने कहा था कैनाल रेज, ठीक है, क्या कहा था, कैनाल रेज कहा था, ओके, तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम बात करते हैं, अब आ जाते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। इन्होंने ये बताया कि ये जो भी है इसको कंपेयर किया इन्होंने अपने मॉडल को किससे, क्रिसमस पुडिंग से कंपेयर किया था, किससे कंपेयर किया था, क्रिसमस पुडिंग से, क्योंकि जो पुडिंग होती है तो जो पुडिंग है हमारी उसमें, जैसे कि मान लीजिए केक है, पुडिंग है, ठीक है, इसमें ड्राई फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो ये जो ड्राई फ्रूट्स लगे हैं इसमें, ये कौन से चार्जेस इन्होंने कंपेयर किया था, ये चार्जेस इन्होंने बताए दैट ऑल विल बी निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज है जितने भी हैं, ठीक है, और जितने ये हैं हमारे जो स्पेस जिनमें ये ड्राई फ्रूट्स लगे हैं वो क्या है, हमारे पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है, ठीक है, ये इन्होंने बताया था, ठीक। तो इन्होंने ये बताया कि ये जो एटम का मॉडल है किसकी तरह होता है, बिल्कुल क्रिसमस पुडिंग की तरह होता है, किसकी तरह होता है, क्रिसमस पुडिंग की तरह होता है, कि जिस चीज में जो इसका बेस है हमारा, जो मटेरियल हम तैयार करते हैं बैटर, वो इनका पॉजिटिव चार्ज था, और उस बैटर में जो ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं वो इसका निगेटिव चार्ज, मीन्स दैट विल बी द इलेक्ट्रॉन और इट विल बी द प्रोटॉन, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इन्होंने बताया था, ठीक है, कि ये जो स्फेयर है हमारा पूरा, दैट ऑल पूरा सर्कल, ये हमारा स्फेयर पॉजिटिव और जो इसके ड्राई फ्रूट्स हो गए वो निगेटिव। इन्होंने एक चीज़ और बताया कि अगर हम सोचें देखें तो ये हमारा जो मॉडल है इसमें एक चीज़ और बताई इन्होंने, ये जो ड्राई फ्रूट हैं इसकी जगह में सीड्स पड़े हुए हैं। समझ में आया ही मैं किसकी बात कर रही हूँ, वाटरमेलन की बात कर रही हूँ। इन्होंने क्या बताया कि ये जो भी इसमें हमारा वाटरमेलन की तरह भी लगता है, ठीक है, मैं बता बना ही देती हूँ नेगेटिव चार्ज से तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये जो हमारे वाटरमेलन के सीड्स हैं ये किसकी तरह ही लग रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं, ठीक है। ये किससे कंपेयर किया है, ये हमारे जो वाटरमेलन के सीड्स हैं, वाटरमेलन सीड्स, ये हमारे निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो वाटरमेलन का रेड पोर्शन है जो हम खाते हैं, रेड पोर्शन ऑफ वाटरमेलन ये हमारा है पॉजिटिव चार्ज, ये पूरा हमारा क्या होगा, प्रोटॉन होगा, ठीक है। ये हटा दीजिए, ये पुडिंग की मैंने बात की। तो जो अब हम बात कर रहे हैं उसमें क्या बताया है, जो हमारा वाटरमेलन है ये इन्होंने बताया है कि ये वाटरमेलन की तरह लगता है, ये जो स्ट्रक्चर मॉडल दिया है ये किसकी तरह लग रहा है, हमारा वाटरमेलन की तरह। तो जो वाटरमेलन में हमारे ब्लैक ब्राउन सीड्स होते हैं इट विल बी इलेक्ट्रॉन चार्ज, और जो उसका रेड पोर्शन जो हम खाते हैं एडिबल पार्ट होता है दैट विल बी द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये इन्होंने बताया था कि सीड्स हमारे जो स्फीयर में जितना चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये था हमारा थॉमसन के मॉडल, इन्होंने यही बताया है। पहले तो क्रिसमस वो पुडिंग बताई, क्रिसमस पुडिंग, और दूसरा बताया वाटरमेलन। ये बिल्कुल जो भी आइटम है हमारे ये सारे बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देते हैं। थॉमसन ने ये भी बताया कि जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, बिल्कुल धसे होते हैं। जैसे हम वाटरमेलन खाते हैं तो उसमें सीड्स बिल्कुल क्या होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, जब हम कई बार बाइट ले लेते हैं तो हमारे माउथ में भी आता है, तो वो उसमें क्या होते हैं, धसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं बिल्कुल, जिसकी वजह से ऐसा ये हमें दिखाई देता है, ठीक है, सेम लाइक एज। और जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, हमारे जो भी मैग्नीट्यूड है उसमें इक्वली ही वो दिखाई देंगे, हमारे इक्वली होते हैं। और अगर देखा जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, जिसकी वजह से ये बिहेव कैसा करते हैं, न्यूट्रल बिहेव करते हैं, ठीक है, कैसा बिहेव करते हैं, न्यूट्रल बिहेव करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके आगे के जो और हमारे मॉडल्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ थैंक यू क्लास, टेक केयर, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ के। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, टेक केयर क्लास।